तो दोस्तों, हमने पिछली पूरी सीरीज में फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर बात की थी, जिसमें हमने सारे फंडामेंटल्स को क्लियर किया था, जैसे पी रेशो, पीबी रेशो, आरओई रेशो, सारे फंडामेंटल रेशोस के ऊपर हमने बात की थी। अगर आपने उस सीरीज को नहीं देखा तो आई बटन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप उस सीरीज को देख सकते हैं। तो उस सीरीज के बाद आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी, मान लीजिए आपको ऐसे स्टॉक्स को पिक करना है जिनका पी रेशो 15 से नीचे है, तो मार्केट में 5000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है, तो आप सारी कंपनीज के पी रेशो, पीबी रेशो को देखने लग जाओगे तो आपको बहुत दिन लग सकते हैं। तो किस तरीके से हम एक यूनिक टेक्निक का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप वन क्लिक में ऐसे सारे स्टॉक्स को देख सकते हैं जिनका पी रेशो 15 से नीचे है। तो सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक ऐप की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है टिकर टैप। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप इसे डाउनलोड कर अपने मोबाइल में ओपन करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपको स्टॉक स्क्रीनर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, यहां पर आपको मोर इन्फो को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपके सामने बहुत सारे स्टॉक्स आ जाएंगे, यहां पर आपको कुछ रेशोस ऑलरेडी सिलेक्ट किए हुए मिल जाएंगे, लेकिन हमें यहां पर कुछ और रेशोस को ऐड करना है। जैसे यहां पर पीवी रेशो को ऐड नहीं किया हुआ, और भी बहुत सारे रेशो हमें यहां पर नहीं देखने को मिल रहे, तो हमें एडिट फिल्टर्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, आपको एक ऐड फिल्टर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। पी रेशो यहां पर पहले से ही ऐड है, लेकिन हम यहां पर पीबी रेशो को और ऐड करना चाहते हैं, तो हम ऐड फिल्टर पर क्लिक करेंगे। तो यहां पर हमें पीबी रेशो को सर्च कर लेना है। आप जिस भी रेशो को यहां पर ऐड करना चाहते हैं, आपको उसका नाम यहां पर सर्च कर लेना है। तो यहां पर हम पीबी रेशो को सर्च कर लेते हैं। तो यहां पर हमें पीबी रेशो देखने को मिल रहा है, हम यहां पर इसे टिक कर ऐड फिल्टर पर क्लिक कर देते हैं। तो यहां पर हमारा ये पी रेशो ऐड हो चुका है। तो यहां पर हमारा पीबी रेशो ऐड हो चुका है। इसके बाद आपको अप्लाई फिल्टर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें इन सारी कंपनीज का पीबी रेशो भी देखने को मिलेगा, लेकिन किसी कंपनी का पीबी रेशो 10 का है, किसी का 20 का है, किसी का 50 का है, लेकिन हमें यहां पर वही कंपनी चाहिए जिनका पीबी रेशो 10 से नीचे हो। इसके लिए आपको फिर से एडिट फिल्टर पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहां पर जिस भी रेशो को एडिट करना है उस पर क्लिक कर देना है। तो हमें पीबी रेशो को 10 पर सिलेक्ट करना है, तो हम यहां पर इसे 10 पर सिलेक्ट कर अपडेट फिल्टर पर क्लिक कर देते हैं और इसे अप्लाई कर देते हैं। अब हमें यहां पर वही स्टॉक्स देखने को मिलेंगे जिनका पीबी रेशो 10 से नीचे होगा। तो मान लीजिए मैं यहां पर किसी और रेशो को भी ऐड करना चाहता हूं, जैसे मैं फेस वैल्यू रेशो को भी यहां पर ऐड करना चाहता हूं। इसके लिए मैं यहां पर फिर से ऐड फिल्टर पर क्लिक करूंगा और यहां पर उस रेशो का नाम सर्च कर लेता हूं। तो यहां पर मैं फेस वैल्यू को सर्च कर ऐड फिल्टर पर क्लिक कर देता हूं। तो यहां पर हमारा चार्ट पर फेस वैल्यू रेशो भी अप्लाई हो चुका है। अब हमें इन सारी कंपनीज का फेस वैल्यू रेशो भी देखने को मिलेगा, किसी का 2 का है, किसी का 10 का है। हम इसे भी एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसे 10 पर सिलेक्ट कर लूंगा, तो हमारे सामने वही कंपनीज आएंगी जिनका फेस वैल्यू रेशो 10 का है। तो अब हमने यहां पर इस तरीके से बहुत सारे स्टॉक्स को पिक कर लिया है। अब हम इसे वॉच लिस्ट में किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, इसके लिए आपको यहां पर एक ऐड वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप जिस भी स्टॉक को ऐड करना चाहते हैं, आपको उसे टिक कर वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है। इस तरीके से आप सारे के सारे स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।